नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई के असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, ये वीडियो कल आनी थी लेकिन एक्चुअली वेरीफाई करने में सीबीएसई ने अभी तक जितने एग्जाम्स लिए हुए हैं, चूंकि इसका सिलेबस ऑफिशियली मेंशन नहीं करा है कहीं भी, इसके अलावा और भी जो डिफरेंट पोस्ट हैं, ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी के और भी डिफरेंट पोस्ट हैं, उनका सिलेबस इन्होंने डाला हुआ है एज अ पीडीएफ और एज अ लिंक ऑफिशियल साइट पे, लेकिन इस पोस्ट के लिए इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं करा। तो बाकी जितने भी इन्होंने एग्ज़ाम लिए हुए हैं उन सबको एनालाइज करने में, समझने में कि एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर, तो समय लग गया। तो कल आने वाली थी वीडियो लेकिन कल नहीं आ पाई, आ जाई है। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या तो नोट डाउन करते हुए चलना या फिर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांति एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल पे भी, इन तीनों जगहों पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, उस इन सारे प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड फ्यूचर में जितने भी आपको चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो ऑफिशियल कुछ भी नया कुछ नोटिफिकेशन आया, कुछ अपडेट आया, या फिर जो भी मैं लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के लिए इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, वो सभी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बिना समय विलंब किए आते हैं हम लोग इसके टीयर वन और टीयर टू के सिलेबस पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीयर वन का सिलेबस। ठीक है, देखो टीयर वन के अंदर हमें सबसे पहले करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस। सो बेसिकली हमें करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ना क्या है, तो करंट अफेयर्स के अंदर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड योजना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स को आपको करंट अफेयर्स के अंदर कवर करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, ठीक है, या फिर हम लोग कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मेरी अकॉर्डिंग, अब जरूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद आता है वो सभी को पसंद आए, हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो, लेकिन मुझे जो इस एग्ज़ाम के रिलेवेंट सबसे ज़्यादा सही लगा, ठीक है, वो है पीडी। ना मैं यहाँ पे ना मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मेरा कुछ विशेष लगा हुआ है, इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट सोर्स मुझे लग रहा है वो है प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होती है, ये मंथ वाइज भी आती है, 6 मंथ वाली भी होती है और 1 साल की भी होती है। आप किसी को भी मंथली यूज़ करोगे वो ज़्यादा बेटर है, आपको क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और रिस्क कम हो जाएगा वहाँ पे अगर आप उसे कवर करते हो। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको पीडी से कवर करना है, प्रतियोगिता दर्पण से कवर करना है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी और जनरल साइंस, ये सारे टॉपिक इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर आप एसएससी सीजीएल का अगर के आप स्टूडेंट हो तो आप इन सबको अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हो सकता है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा कि लूसेंट इसके लिए बेस्ट बुक है। आप अगर सीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीएससी प्रीलिम्स जो है उसका लेवल थोड़ा हाईफाई हो गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उतना डीप नहीं घुसता है ये, थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि सीजीएल लेवल का ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लूसेंट से प्रिपरेशन करोगे तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, नहीं तो इसके ऑप्शंस आपको और भी मिल जाएंगे, अल्टरनेटिव्स बहुत है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा इन सारे टॉपिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का ये होगा। तो एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइस, डाटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज, सिलोलिज्म, मिरर एंड वाटर इमेज, फिगर काउंटिंग, इतने सारे टॉपिक आप कवर करोगे जो कि एक नॉर्मल एसएससी लेवल का ही है। सीसेट में भी नॉर्मल एसएससी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो आपका ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हो या सीजीएल को लेकर के चल रहे हो, तो ये जो पार्ट है वो बहुत आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो एसएससी लेवल का कोई भी बुक आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा बुक चाहिए तो लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से बुक्स ले सकते हो। एस्टर्न पब्लिकेशन की बुक आती है ये, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, सो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग जनरल हिंदी पे। जनरल हिंदी, कंप्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो अगेन इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का ये होगा। और इसके अंदर शब्द भेद, काल, क्रिया, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, समास, वाक्य रचना, गद्यांश और प्रश्न, पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा विलोम शब्द, एक शब्द, प्रतिस्थापन, मुहावरे और लोककीतियाँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
जो है पूछी जाएंगी। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, पैरा जम्बलिंग और रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इतने सारे टॉपिक्स हैं जिससे 15 क्वेश्चंस होंगे और ये 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक तो ऐसा है कि आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी का जो टॉपिक है उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अर्थमेटिक के पोर्शन की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम वर्क एंड वेजेस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टर्न, पार्टनरशिप, एज, डाटा टेबल, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जितना सारा टॉपिक मेंशन है वो DI का मेंशन है। सो डाटा टेबल, डाटा सफिशियंसी, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट, इतने सारे टॉपिक्स मेंशन करे गए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं ये भी भूलें कि इसके अंदर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जैसा टॉपिक भी रहता है, तो नहीं रहता है। ठीक है, अब नहीं आता है इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप समझ लो कि जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो इतने सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल आप देखो तो जनरल जो नॉर्मल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे SSC उठा लो, चाहे आप कोई और एग्ज़ाम उठा लो, उसके अंदर भी यही सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इतना तो आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा अगर मेंसुरेशन अगर आप कर लोगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्यूटर। बेसिकली देखो, कंप्यूटर के अंदर हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड मेमोरी, डाटा प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, इतने सारे टॉपिक्स आप कवर करके जाओगे तो सबसे बेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का ये होगा। तो वैसे 30 क्वेश्चन हैं तो आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से कवर करना पड़ेगा, इसीलिए कंप्यूटर सिक्योरिटी, इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, नेटवर्किंग, डाटा कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, या नहीं आते हैं नॉर्मल वैसे एग्जाम में जहाँ पे आपसे सिर्फ बेसिक नॉलेज बोला गया है। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिलता है, लेकिन आप इसे भी अच्छे से कवर करके जाना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 30 में 30 आने के चांसेस, मतलब 30 में 30 आप अटेम्प्ट करके बहुत अच्छे से आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टीयर टू का सिलेबस इन्होंने मेंशन करा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है और ये पूरा जो सेक्शन होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो जो पहला जो इसका पार्ट है टीयर 2 का, उसके अंदर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, और इसका जो एरिया होगा वो इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, लेकिन आप समझ सकते हो इसके अंदर करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस होंगे, और चूंकि ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे, तो आपको चीज़ें बहुत ही एलिबोरेट वे में अच्छे से लिखनी है, जहाँ पे आपको स्टैटिक के भी फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, स्टैटिक का भी डाटा डालना पड़ेगा, और उसके अलावा करंट का भी डाटा यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स कवर करे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये कह रहे हैं कि इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करवाइए आप। सो बिल्कुल होगा स्टार्ट, आप टेंशन मत लो। टीयर 2 और टीयर 1 दोनों का मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा, मैं सिंगल प्रिपरेशन नहीं करवाऊंगा, और भी 1-2 टीचर मिलकर के प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, ताकि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो, मेरे ऊपर सारा बर्डन ना आए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं कवर करवाऊंगा सिंपली, और काफ़ी अच्छे से मैं कवर करवाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे अगर देखोगे, नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये पूरा का पूरा पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। ठीक है, ये पूरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा का पूरा पार्ट मैं करवाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के द्वारा। मैं आपको एक बिल्कुल सही कंटेंट दूंगा, आप बस आपको करना क्या है, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा वो बहुत ही कंसाइज वे में और टू द पॉइंट होगा। एक्स्ट्रा फालतू की बकवास मैं नहीं करता पढ़ाते समय, तो आपको चीज़ें बहुत ही रिलेवेंट मिलेगी। बाकी अगर इसका PDF चाहिए,
ठीक है, चाहे आप जो भी YouTube पे क्लासेस हों या फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल होगा, ठीक है। तो वहाँ आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, फ्यूचर में आपको सारी अपडेट्स वहीं पर मिलेंगी। तो जो दूसरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक होगा, इसके अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ पे मेंशन करा गया है पार्ट थ्री में, जो भी मैं ही करवाऊंगा आप सभी को, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये टॉपिक जो है आप अगर एम लक्ष्मीकांत उठा करके पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जो टीचर मेरे साथ होंगे वो भी आपको ये पॉलिटी वाला जो पोर्शन होगा वो आपको यूट्यूब पे अच्छे से कवर करवाएंगे, ठीक है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, अगेन मैं क्लास लूँगा इसका यूट्यूब चैनल पे, और बहुत ही सटीक वे में आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस ये कवर होगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग आराम से आपका कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव की पूरी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो गया, अब एक मॉड्यूल में अपलोड करने वाला हूँ, आज या कल ये अपलोड हो जाएगा, जहाँ पे मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं यूट्यूब चैनल के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ ये बहुत ही कम समय तक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो भी मैं अभी से जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगी ये पेड कोर्सेज का पार्ट होगा, और जैसे ही वो सीरीज़ कम्प्लीट हो जाएगी वो यूट्यूब से हट करके अपने कोर्सेज पर चला जाएगा। तो YouTube पे आने वाले जितने भी कंटेंट है उसे मिस मत करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, और अगर शेयर कर दोगे तो उसे मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, आप मुझे सपोर्ट करोगे एक तरीके से, और ये मेरे जैसे टीचर के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप सभी का, ठीक है। तो यही बताना था, ये इसकी पूरी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा, 9717782301, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा मैं इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि क्लासेस रिकॉर्ड करनी होती है और भी चीज़ें हैं जो मुझे देखना होता है, ठीक है, बहुत सारे काम है, सिर्फ पढ़ाना ही एक काम नहीं है मेरा। तो आप इस नंबर पे आप छोटा सा एक आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरी है, आप इस पर एक व्हाट्सएप छोड़ सकते हो, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियो में यही बताना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।